बचपन में इसके पापा ने ये बोला था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, इसे तो रोड स्टार बनना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसे चिलम पिले मचाते हुए लड़े लड़ुओं के बारे में, जिन्होंने हकीकत को भूलकर एक सपनों की दुनिया बना लिया है और उस दुनिया में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपने अपने एक स्टार बन गया है। तो यार हम तुम दोनों मिलकर इनकी सपनों की दुनिया में ठक ठक करते हैं। ये जितना खूबसूरत गाना है उससे कई ज्यादा गुना घटिया एक्टिंग कर रहा है। इसका ये गाड़ हिलाने तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो छक्के वाले एक्सप्रेशन दे रहा है बेंचो, इसे देखकर तो इतना गुस्सा आ रहा है, इसे उल्टा उल्टा ये हमारे सस्ते सलमान खान जब तक रोल में आते हैं तब तक वीडियो खत्म हो जाता है। तालियां। और एक्टिंग करने के दौरान एक बार ये नाली में भी गिरते गिरते बचते हैं। तालियां। अबे वो भोसड़ी के निप्पल दिखाने को एक्टिंग करना नहीं बोलते हैं, इसे चूची प्रदर्शन बोलते हैं। मेला दिनों का। आहा, क्या छेड़ा है, क्या हरकत पकड़ी है। आता है एक आजा। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा अच्छा, बड़े अफसोस की। तुझे देखा तो ये जाना सनम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही तो शबनम है। यार मैं तभी सोच रहा था आखिरकार ये शबनम के आशिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। अबे जब शबनम ही नशे में है तो आशिक तो धर्राटे काटेंगे ही। शुभम सिर्फ मेरा है, शुभम सिर्फ मेरा है, शुभम मेरे हो ना तो मेरे हो ना। करो यार, ये पहले सोनम आई फिर शबनम, अब ये भोसड़ी का शुभम कौन है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना। शुभम क्यों? अबे ये शुभम नहीं सतीश है। इस चौदह मन से मैंने 1000 बार बोला, भोसड़ी के पन्नी मत मारा कर, मत मारा कर, कराली बेचती। पहले पन्नी पी के गुपचुप गुपचुप करेंगे। सच कहूं तो मुझे इस नाम से खुजली सी होने लगी है। सोनम बेफा निकल गई, शबनम ने तो आंसी के लुड़का दिए, और रहा ये भोसड़ी का सतीश पी के मुजरा कर रहा है। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा तूने? हाथ लगा कर देख। साले हड्डियां दिख रही है, चमड़ा किधर है? चला कर रख कर दो। तेरे लिए एक सलाह देता हूँ, साले आंधी आ रही है बाहर ना निकली हो, वरना तू देखो अगर तुम्हें फोन धरना है तो धत दे, हम तुम दे कछु ना कह रहे, बस हम तुम्हारी गर्ल फ्रेंड है तो जाके नहाते थे हमें एक चुम्मा दे दे और फोन धत दे। यार मोहब्बत में ऐसी भी कंडीशन अप्लाई होते, बिना किस दिए फोन भी नहीं काट सकते। चलो यार इसका तो फिर भी ठीक है, ये फोन पर ही किस मांग रही है, लेकिन इसका क्या करोगे? पिला पे देख। ए छिपकी सुसरी मेरी, हटे। ए छुड़वाओ रे, कहां का देश लगा दियो आज मेरे बैल मार। ए बैल बेचारा पप्पू फंस गया। ये तो भैया किस लेके ही मानेगी। अब इसीलिए कहते हैं कि हर कदम थोड़ा सोच समझ कर उठाना चाहिए, कौन कब कहां मादर चौधरी कर जाए कोई नहीं जानता। बस यार अब नहीं देखा जाएगा मुझसे, ये आगे क्या करने वाले मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल इनकी बकचोदियां तो यूं ही चलेंगी, अब हम यहीं पर बंद कर देंगे। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक मार देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।